मैं हूँ दिव्या और मैं लाई हूँ आज आप लोगों के लिए एक साड़ी ड्रेपिंग की वीडियो, ओपन पल्लू साड़ी ड्रेपिंग की वीडियो, जिसे काफी लोग पसंद करते हैं। साड़ी ड्रेपिंग जब भी करो तो ओपन पल्लू को लोग काफी पसंद करते हैं, लोग पहनना चाहते हैं, लेकिन सबके बस की बात नहीं होती ओपन पल्लू की साड़ी पहनना, क्योंकि बहुत सारे लोगों से संभाली ही नहीं जाती इस तरह की साड़ी ड्रेपिंग। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना, ताकि मैं और भी ज्यादा अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के पास लेके आ सकूं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस जरूर करना, ताकि मेरी आने वाली सही वीडियो आपके पास सबसे पहले आ जाए। क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहेगा कि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो बनाऊंगी तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जॉर्जेट की साड़ी पिंक एंड गोल्डन कलर की, इसके यहाँ देखो कि बॉर्डर इसका कितना, इतने चौड़े बॉर्डर बनी हुई है इस पूरे साड़ी पे, इतने चौड़े बॉर्डर बनी हुई है। और ये पूरा जरी का वर्क है, पूरे साड़ी पे जरी का वर्क है, हाफ यानी बस नीचे बॉर्डर दब देख रहे हो, इतने चौड़े बॉर्डर है, इसमें पूरे जरी का वर्क है। ऊपर जो पूरा बॉडी है इसका पिंक कलर है और नीचे का जो है कलर वो गोल्डन कलर का है। इसी से मैच करते मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर का ब्लाउज वेयर किया और आज मैं इस साड़ी को ड्रेप करके। बहुत सारे लोगों का बोलना होता है कि जो ये नीचे वाली जो इतनी चौड़ी बॉर्डर होती है, चौड़ी वाली बॉर्डर हम लोग को अच्छे से सेट नहीं कर पाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इतनी अगर साड़ी में अगर आपकी चौड़ी बॉर्डर हो जिस साड़ी में, उस साड़ी को हम लोग कैसे ड्रेप करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ आप लोगों को आज इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले ये आगे का जो पार्ट है इसे हम लोग यहाँ पे टक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो कि मैंने इसे टक कर लिया है और इसको टाइट करते हुए हम लोगों को पीछे की तरफ ले जाना है। पूरी यहां से हमें इसे टाइट कर लेनी है इस तरह से। उसके बाद हमें इसका आंचल निकाल लेना है कि हमें कितनी आंचल रखनी है। आपको अगर लंबी आंचल रखनी है तो आप लंबा निकाल सकते हो, या अगर आपको छोटी आंचल रखनी है तो उस अनुसार से आप अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इतना आंचल निकाला है। उसके बाद हम यहाँ पर प्लेट की तैयारी कर लेते हैं कि हमें प्लेट कैसी बनानी है। तो प्लेट बनाने के लिए फ्रेंड यहाँ इस तरह से साड़ी लेते हुए हम लोग यहाँ पे आएंगे, ये जो आप बॉर्डर देख रहे हो ये यहाँ पे आएगा और उसके बाद हम बता रहे हैं आपको। और हमें यहाँ पर छोटी 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 दो तीन यहाँ पे चून बना लेना है, ताकि हमारा जो ये साइड का प्लेट है अच्छे से बैठ सके। ऐसे करने के बाद हम यहाँ पर इसे टक कर देंगे। अभी हम लोग इसमें पिन सिक्योर नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि पिन सिक्योर हमें कब करना, बस यहाँ पर इस तरह से करते जाना। उसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे प्लेट। तो प्लेट बनाने के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि मेरी फर्स्ट वाली जो प्लेट है वो नहीं अच्छे से बैठ पाती। तो फर्स्ट वाली प्लेट के लिए पहले हम यहाँ पर इस तरह से इसे वो करेंगे। तो हमें इस तरह से प्लेट बना लेनी है। प्लेट को सही से अच्छे से सिक्योर कर लेना है पिनअप लगा के। तो पहले प्लेट को अच्छे से बैठा ले ऊपर और उसके बाद इस तरह से प्रेस कर दे, ताकि हमारी जो प्लेट है ना एक बराबर रहे, थोड़ा भी इधर उधर नहीं हो। उसके बाद इस प्लेट को, सारी प्लेट को हम यहाँ पर इस तरह से अंदर की तरफ सिक्योर करेंगे यहाँ। और ये वाली जो हमारी है इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ, उसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से टाइट कर लेंगे अपनी आंचल की तरह बनाने के लिए। और इस तरह से इसको चूनट को यहाँ पे हम लोग इस तरह से सेट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एक पिन लगाएंगे, इस जगह पे हम लोग को पिनअप लगाना है ऐसे, इसे और इसे दोनों को एक साथ करते हुए अंदर की तरफ से आप पिन लगाओ। अब हमारी साड़ी आप सुबह से रात तक पहने रहो, कभी भी हमारी साड़ी फिसलेगी नहीं। और यहाँ का जो साइड है, साइड बनाने के लिए हमें चूनक को, हमें इस चून को अच्छे से सेट करना होगा इस तरह से। और उसके बाद हम बना लेते हैं अभी आंचल। इस तरह से आप साइड आंचल भी रख सकते हो, ये भी काफी खूबसूरत लगती है इस तरह की साड़ी में। तो साइड आंचल के लिए हम यहाँ पर एक पिन से सिक्योर कर लेंगे अपने
आंचल को यहाँ पीछे के साइड में यहाँ पे हम लोग एक पिनअप लगा लेंगे। हमारा जो ये अच्छे से बैठ जाएगा और इस तरह भी आप रख सकते हो ऐसे भी। इस तरह से आप लोग साइड आंचल यानी ओपन आंचल को रख सकते हैं। और ये जो इतनी चौड़ी बॉर्डर होती है इसे हम लोग इस तरह से यहाँ ताकि इसकी खूबसूरती बनी रहे चौड़ी बॉर्डर की, तो हमें इस तरह से यहाँ ऐसे रखना है। और ये जो है इसे इस तरह से साइड में रख के आप कहीं भी जा सकते हो तो काफी अच्छा लगता है। इस तरह का लुक भी, इस तरह के लुक में भी आप कहीं भी जा सकते हो, अच्छा लगता है। तो अगर आपके पास चौड़ी बॉर्डर वाली कोई साड़ी है तो आप इसे ओपन पल्लू में अगर आप ड्रेप करोगे ना साड़ी तो काफी खूबसूरत लगती है इस तरह की भी साड़ी। तो आप लोग इसे भी ड्रेप कर सकते हो, या अगर आप चाहो कि इसी साड़ी को पिनअप करके करना तो वो भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो मैं अभी आपको इसे पिनअप करके दिखाती हूँ कि पिनअप करने के बाद इसका लुक कैसा आता है। साड़ी बॉर्डर है ना, बस हमें उतना ही वो लेना है इस तरह से, इतनी चौड़ी हमें लेना है और इसे इस ऊपर से नीचे की तरफ हमें और इस तरह करते जाएंगे ताकि ये हमारा प्रेस होते जाए। सिक्योर कर लेंगे यहाँ पे, ब्लाउज में टक कर लेंगे पिन को साड़ी के पल्लू के साथ और इस तरह से यहाँ साइड पिनअप को अच्छे से सेट करने के बाद आप इस तरह से लुक कर सकते हो। तो ये लुक भी काफी खूबसूरत लगती है क्योंकि इसमें अगर आपको दिखाना है कि हाईलाइट करना है कि मुझे अपने साड़ी के पल्ले को हाई पल्ला अच्छा काफी अच्छा लगता है। अगर आपसे नहीं संभाला जा रहा तो यहाँ से यहाँ तक ये जो जितने भी बॉर्डर है ना, यहाँ से यहाँ तक बॉर्डर और ये हमारे जो पल्ले का है यहाँ पे आप छोटा सा सिफ्टी पिन लगा लेना। यहाँ पे छोटा सा सिफ्टी पिन लगा लोगे उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे। यहाँ हम लोग बॉर्डर को हाईलाइट करते हुए इस पूरे पे हम यहाँ पर लगा लेंगे सिफ्टी पिन, अंदर की तरफ से सिफ्टी पिन हमें लगाना है। इस तरह देखो अंदर की तरफ सिफ्टी पिन लगा, उसके बाद हम यहाँ पर इसे रखे रहेंगे तो हमें बार बार इसे उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से हमारी सिक्योर है कि हम लोग कहीं पार्टी फंक्शन में भी जा सकते, कहीं भी अच्छा लगेगा। और ये हमारा बॉर्डर जो है ना हाईलाइट होते रहे क्योंकि ये पूरे साड़ी की जो खूबसूरती है ये इतने चौड़े बॉर्डर से इसकी खूबसूरती और भी ज्यादा निखर के आ रही है। तो हम इस तरह से बॉर्डर को हाईलाइट भी कर सकते हैं और इस तरह से कहीं पार्टी फंक्शन में जा भी सकते हैं, काफी खूबसूरत लगती है। लेकिन ओपन पल्लू पे हमें कभी भी कमरबंद का यूज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कमरबंद का अगर यूज करना है तो फिर हमें साड़ी में जब पल्लू बनाते हैं ना तो उस पे अच्छा लगता है। ओपन पल्लू में हमें कमरबंद नहीं लगाना, बस ऐसे ही आप बैंगल लगा लो, आप नेकलेस पहन लो, टीका कुछ भी पहन सकते हो जो साड़ी से मैच करता है जो भी हो, और इस तरह से आप कहीं भी पार्टी में जा सकते हो। तो आज का ये वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड और फैमिली में। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो कैसा लगा मेरा आज का ये लुक ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।